क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर को कैसे मेज़र करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास मैनोमीटर होता है और मैकेनिकल गेजेस होता है। मैनोमीटर क्या होता है, दिस आर डिफाइंड एज द डिवाइस, एक डिवाइस होता है फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूड बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ ए फ्लूड बाय द सेम और अनदर कॉलम ऑफ द फ्लूड। अब इसको करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये दो टाइप का होता है, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर भी तीन टाइप का है, पीजोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर में भी दो टाइप है, यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसके बाद मैकेनिकल गेजेस से भी हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है, डायफ्राम प्रेशर गेज, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डेडवेट प्रेशर गेज, बेलोज प्रेशर गेजेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीजोमीटर, मैनोमीटर में देखते हैं, सिंपल मैनोमीटर में पीजोमीटर। पीजोमीटर क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर होता है, यूज्ड फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर मेजर करता है। इसका वन एंड कनेक्ट रहता है जहाँ पे हमको प्रेशर निकालना रहता है, और दूसरा एंड कहाँ पे रहता है, एटमॉस्फेयर पे रहता है। तो यहाँ पे हम प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर हेड पॉइंट ए, तो ये आता है हमारे पर प्रेशर हेड पॉइंट ए होगा रो जी इंटू एच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह हमारा होता है पीजोमीटर। उसके बाद आता है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब बैंड, ये देखिए ग्लास ट्यूब बैंड दिख रहा है, इन यू शेप, वन एंड ऑफ विच इज़ कनेक्टेड टू अ पॉइंट, एक एंड इसका कनेक्टेड रहता है जहाँ पे हमको प्रेशर निकालना रहता है, और दूसरा एंड यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कनेक्ट रहता है। इस ट्यूब में जनरली मर्क्यूरी रहता है और वाटर रहता है। द ट्यूब जनरली कंटेन्स मर्क्यूरी और एनी अदर लिक्विड हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ ग्रेटर दैन दी, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसा लिक्विड या फ्लूड को कंटेन करता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा ज़्यादा रहेगा यहाँ पे के लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी से जो हमको निकालना रहते हैं। हम लोग लेट एस इक्वल टू क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है, और एस एम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं गेज प्रेशर के लिए। फॉर गेज प्रेशर ये क्या आएगा, गेज प्रेशर के लिए हम लोग निकालते हैं एस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है, एस एम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, एक इक्वेशन लिखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम, राइटिंग द गेज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर कॉलम। इसका मतलब क्या है, जैसे ये मेरा हेड हो गया प्रेशर हेड, तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन रो जी, मेरे को ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो ये हो जाएगा। तो इसको क्या बोलूँगा मैं, एच ए डब्ल्यू को प्रेशर हेड एट पॉइंट ए इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर कॉलम, किसको बोलूँगा मैं, एच ए डब्ल्यू को। अब इसमें हमको याद रखना है प्रेशर जब नीचे जाएगा तो बढ़ते जाएगा तो ऐड होगा, प्रेशर जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा। अब यहाँ पे हम एक इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए, जो डायग्राम दिया है उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, इन टर्म्स ऑफ गेज इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे का प्रेशर कितना हो जाएगा, एच ए डब्ल्यू, अब प्रेशर नीचे जा रहा है, देखिए नीचे जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, लिक्विड यहाँ तक है वाटर, तो ये हो जाएगा एस इंटू प्लस एस इंटू एच वन प्लस, फिर से यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप कितना है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो यहाँ तक क्या है मर्क्यूरी है, ये तो ये हो जाएगा एस एम इंटू एक्स। अब यहाँ पे का जो प्रेशर है वही प्रेशर क्या, यहाँ पे का जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे का रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव एस एम मर्क्यूरी है पूरा ये, और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स प्लस एच वन प्लस एच टू, एक्स प्लस एच वन प्लस एच टू इक्वल टू क्या आएगा, एच एटमॉस्फेरिक, ये एटमॉस्फेयर में ये एच एटमॉस्फेरिक। तो पी एटमॉस्फेरिक गेज के लिए कितना होता है, जीरो होता है, जैसे कि हमने उस दिन ग्राफ में पढ़ा था,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लाइन रहता है गेज प्रेशर के लिए बॉटम लाइन रहता है ना, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगा, एच ए डब्ल्यू प्लस एस एच वन, अगर मैं हाँ ठीक है एस एम एक्स, इसको सॉल्व करते हैं एस एम एक्स माइनस एस एम एच वन माइनस एस एम एच टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये कट जाएगा है ना। तो हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एच ए डब्ल्यू प्लस एस एच वन माइनस एस एम एच वन प्लस एच टू इक्वल टू जीरो। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एच ए डब्ल्यू इक्वल टू एस एम एच वन प्लस एच टू माइनस एस वन एच वन। अब हमको पता है एच ए डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी ए अपॉन रो जी। तो पी ए क्या हो जाएगा, एच ए डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो पी ए हो जाएगा एच ए डब्ल्यू इंटू रो जी। तो ऐसे करके हम यहाँ पे का प्रेशर निकाल सकते हैं, ये क्या है गेज प्रेशर है। अब ऐसे ही हम वैक्यूम प्रेशर के लिए सॉल्व करेंगे, ये हमारा वैक्यूम प्रेशर है। वैक्यूम प्रेशर के लिए क्या होगा, मेरे को यहाँ पे का प्रेशर निकाल लेते हैं, मान लेते हो ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे एच बी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एच बी डब्ल्यू प्रेशर हेड, प्रेशर हेड एट पॉइंट बी इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ, मीटर ऑफ वाटर कॉलम। ये हमको लिखना ही है ना, गेज इक्वेशन लिखने के लिए इसको लिखना ही है। अब देखो यहाँ पे से लिक्विड क्या है, वाटर है, एस है यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है एस है। अभी नीचे जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, एच वन तक नीचे जा रहा है ये है ना। उसके बाद यहाँ पे मर्क्यूरी आ गया, ये एच टू तक है, फिर यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक हो गया यहाँ पे। तो इसके लिए हम गेज इक्वेशन लिखते हैं, गेज इक्वेशन इसके लिए क्या आएगा वैक्यूम के लिए, ये आ जाएगा एच बी डब्ल्यू प्लस एस एच वन प्लस एस एम एच टू इक्वल टू, जो यहाँ पे का प्रेशर है वो यहाँ पे का प्रेशर रहेगा, इक्वल टू एच एटमॉस्फेरिक। फिर ये पी एटमॉस्फेरिक गेज के टर्म्स में क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। तो हमारे पास एच बी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आया, एस एच वन प्लस एस एम एच टू इक्वल टू जीरो। तो एच बी डब्ल्यू कितना हो गया, माइनस एस एच वन ये ब्रैकेट में, तो ये निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या है ये वैक्यूम प्रेशर है। फिर से एच बी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, पी बी अपॉन रो जी। एच बी डब्ल्यू का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो प्रेशर पॉइंट बी पे निकल जाएगा, तो ऐसे में हमको इस पाइप का प्रेशर पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट है ये इक्वेशन बनाना। इसमें याद रखना, प्रेशर अगर नीचे की ओर जा रहा है तो प्लस होते जाएगा, प्रेशर अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस होते जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके थैंक।